हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल में। और आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज है सैटरडे। और ये स्पेशल बस इसीलिए नहीं है कि आज सैटरडे है, बल्कि स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज एक हमारे सीनियर और हमारे फ्रेंड की शादी है। वो बेसिकली इंडियन है लेकिन उनकी शादी कोरिया में हो रही है। उनकी वाइफ जो होने वाली है वो कोरियन है। ये शादी एक कार्ड है और इनके शेड्यूल लिखा हुआ है किस दिन है। नीचे क्लिक करने के बाद ये इनका वेडिंग पिक्चर है। इनको कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। डेट ऐसे दिया हुआ है। इन्होंने शादी इंडिया में कुछ दिन पहले की थी, उसका पिक्चर्स ये है। और शादी कहाँ पर है उसका यहाँ पे एड्रेस भी दिया। अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ वहाँ पहुँच भी जाएंगे। आपको मैप दिखा देगा या आप कहाँ जाना है आप। और उनकी शादी एक कोरियन ट्रेडिशनल स्टाइल में होने वाली है। एक्चुअली यहाँ कोरिया में शादी जो होती है वो अभी बहुत मॉडर्न तरीके से होती है, लेकिन इनकी शादी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इनकी शादी काफी ट्रेडिशनल तरीके से होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे वेडिंग वेन्यू कैसा होता है, शादी कैसे होती है और बाकी सारे रीति रिवाज। जो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ कोरियन वेडिंग की इस जर्नी में। लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। लेट्स गो। ये मैं आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन पर। अब मैं जा रहा हूँ टिकट लेने। टिकट लेने के बाद मैं जाऊंगा सीधे वेडिंग वेन्यू पर, जो कि यहाँ से करीब 30 मिनट दूर है। तो चलिए चलते हैं साथ में। ये जो सामने दिख रही है ये है टिकटिंग मशीन। यहाँ से आप ले सकते हैं टिकट जहाँ भी आपको जाना हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लेते हैं। टिकट लेने के लिए आपको चाहिए कोरियन वॉन, कोरियन पैसे। तो आपको चूज कर लेना है इंग्लिश। मैं कोरियन ट्राई करता हूँ। सिलेक्ट डेस्टिनेशन, मुझे जाना है ये इस लोकेशन पे। यहाँ पर तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और पूछ रहा है कितने टिकट चाहिए। मुझे चाहिए 1950 वोन का टिकट है। मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पैसा डाल देता हूँ। यहाँ पर पैसे मेरे अंदर चले गए। अब हमारा टिकट आ जाएगा। ये आ गया मेरा टिकट। और ये है मेट्रो स्टेशन। मुझे करना क्या है, सिंपली इस कार्ड को यहाँ पर टच करना है और ये ओपन हो गया। ये एक्चुअल स्टेशन है जहां पर ट्रेन आएंगी। ये सामने एक गेट है, इसके पीछे एक और गेट लगा हुआ है जिससे जो लोग एक्सीडेंट से बच सकें। वहां पर आप देख सकते हैं ये ट्रेन यहां पर है। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक इसको आने में 2 मिनट लगते हैं। ये लिफ्ट उनके लिए है जो फिजिकली थोड़ा कमजोर है, वो इसको यूज कर सकते हैं। ये जो ट्रेन अभी गई है वो उस साइड की ट्रेन है, हमें लेना है ट्रेन इस साइड की। ये
ये बीच वाला वो स्टेशन है जहाँ पर अभी मैं हूँ, मुझे जाना है इस साइड पे और ये ट्रेन इस साइड को जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर बता रहा है कि इस ट्रेन आने वाली है, बिल्कुल पहुँचने वाली है। वो दोबारा दूसरी साइड की ट्रेन है, हमारे साइड की ट्रेन आएगी इस साइड से। ये है हमारी ट्रेन, दरवाजे दाएं तरफ खुलेंगे। अभी आने वाला है दूसरा ट्रेन। ये इस ट्रेन के मैं आखिरी डब्बे में हूँ और ये है हमारे बाकी पैसेंजर्स। तो मैं आपको अंदर का एक व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं वो लोग बैठते हैं। ये मैं पहुँच गया हूँ अब अपने स्टेशन पर। ये स्टेशन है जहाँ पर मुझे जाना है और जैसा मैंने आपको दिखाया था यहाँ से करीब 14 से 15 मिनट वॉक है। और या स्टेशन से निकलने के बाद मैं 14-15 मिनट वॉक करने के बाद वेडिंग वेन्यू पर फाइनली पहुँच जाऊँगा। और अभी मुझे ढूँढना है एग्ज़िट 2। ये वही कार्ड है जिसको मैंने वहाँ से ख़रीदा था। निकलते समय इसको भी दोबारा से यहाँ पंच करना है और निकल जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा एग्जिट कहाँ पर है, मुझे जाना है एग्जिट 2 पर क्योंकि वहाँ से हमारा रास्ता करीब है। ये अभी भी मैं मेट्रो स्टेशन में ही हूँ और मैं जा रहा हूँ एग्जिट 2 की तरफ। एग्जिट 2 है सामने की ओर, हम सीधा सीधा चलते रहेंगे उधर ही। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही है, अगर आप लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ आना है और इसमें जाना है। इसको आप पूछ सकते हैं कि आप कहाँ आपको जाना है और कैसे जाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, साथ साथ आपको एक मैप भी देंगे जिसमें आपको पता चल सके कि आप कहाँ और कैसे कहाँ जाएंगे। ये सेम एंट्री का पॉइंट है, अपोजिट साइड एंट्री का पॉइंट। ये एक यूनिक चीज़ ये है कि अगर आपको कहीं पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। और ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींचने का स्टूडियो है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ बैठेंगे, पैसे डालेंगे वहाँ पर, इसको बंद करेंगे और आपका फ़ोटो खींच जाएगा और तुरंत ही वहाँ से निकल आएगा। चलिए जर्नी अपनी कंटिन्यू रखते हैं। और यहाँ पर हमें मिल रहा है इस साइड पर एग्जिट 2। अब हम बाहर निकालने वाले हैं यहाँ से एग्जिट 2 से। एग्जिट 2 पर चल के जाना है, हम जाते हैं इधर से। ये हम निकल आए हैं बाहर, एग्जिट 2 हमारे अपोजिट साइड है और ये यहाँ पर हैं हम। फाइनली मैं अपनी लगभग लोकेशन पर पहुँच गया हूँ और यहाँ से अब मुझे बस 14 मिनट वॉक करना है और 14 मिनट वॉक करने के बाद मैं पहुँच जाऊँगा अपने वेडिंग वेन्यू पर। ये पीछे, ये सामने एग्जिट 2 और वो सामने एग्जिट 3। ये है हमारा एग्जिट 3। यहाँ हो रही है काफ़ी कड़ी धूप जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं चलता जाऊँगा 14 मिनट और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का कोरियन शादी। मैं
आपको 14 मिनट तक यहाँ पर होल्ड तो किए हुए नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ पर वीडियो रोकता हूँ और मैं आपको डायरेक्ट वेडिंग वेन्यू पर कंटिन्यू करूँगा। चलते चलते अभी हम पहुंचे हैं एक स्ट्रीट सिग्नल पर, और स्ट्रीट सिग्नल की खास बात क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको रेड लाइट दिख रही है और एक उसको क्रॉस करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दबाना पड़ेगा कि आप यहाँ पर हैं। कभी कभी क्या होता है, रात हो गई है और चूंकि ज़्यादा लोग क्रॉस नहीं करते हैं तो इसको ये लोग बहुत देर बाद वो लोग ग्रीन करते हैं। तो आप यहाँ पर हैं और बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पर हैं, तो वो बटन जो लगा हुआ है उसको आप दबा सकते हैं और वो फिर जल्दी ग्रीन हो जाएगा। और सामने जो रेड लाइट है, वो रेड लाइट होने के साथ साथ आप नीचे देख सकते हैं यहाँ भी इन्होंने रेड किया हुआ है, ताकि कोई अगर फ़ोन यूज़ कर रहा है, पबजी खेल रहा है, तो सामने जाकर गाड़ी से टकरा ना जाए। और यहाँ पर अगर सामने देख पा रहा है तो यहाँ पर देख ले। तो ये मैंने बजाया नहीं, लेकिन फिर भी ये ग्रीन हो गया, और नीचे देख सकते हैं ये भी ग्रीन हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा जर्नी कंटिन्यू है, मैं आपको दोबारा से अपडेट करूंगा वेन्यू पे पहुंचने के बाद। पता चलते हुए मुझे एक और चीज़ दिखा है और मैं चाहता हूं आपको दिखाऊं, इसलिए मैं आपको दोबारा से अपडेट दे रहा हूं। ये सामने मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये है साउथ कोरिया का वन ऑफ द चर्चेस। और यहाँ पर साउथ कोरिया में इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर लोग उतने ना मजहबी हैं, मजहबी या फिर उतने रिलीजियस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चर्चेस इंडिया में जैसे मस्जिद और मंदिर है वैसे ही इंडिया का समझ में आता है, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत ही मजहबी और बहुत ही रिलीजियस हैं, लेकिन साउथ कोरिया में लोग प्रैक्टिकली उतना रिलीजियस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ चर्चेस का बहुत ज्यादा होना एक अनोखी बात है। मैं पहुंच गया हूँ इस वेडिंग वेन्यू पे और मेरे एक पार्क टाइप का है। और ये सामने जो कोरियन स्टाइल हाउस दिख रहा है, ये है हमारा वेडिंग वेन्यू। और यहाँ पर सामने जो इंडिया में शगुन देते हैं, अभी पैसा देते हैं, वो यहाँ पर लिखाते हैं। ये पैसा आप उनको देंगे, फिर आपको एक कार्ड देंगे, उसके बाद आप जो है अंदर जा सकते हैं। तो 2 लाख रुपए शगुन देने के बाद मुझे मिला है ये 10 रुपए का खाना। एक्टिंग है। ये है मुझे अंदर जाने का कूपन, ये पैसे का कूपन, ये है एंट्री कूपन, और ये हमारे फैंस हैं। अरे ये हमारा एंट्रेंस है और हमारे यहाँ कुछ कोरियन मित्र हैं और इंडियन मित्र हैं। अच्छा, वो गोपाल भैया हैं, गजब। शादी ट्रेडिशनल इस साल में कर रहे हैं और वो है जिसमें दुल्हन बैठ के जाएगी, ये मैं हूं। और ये है इसको पीछे, ये है हमारे मित्र, इनको पैसे मिले हैं कुछ, कितने पैसे मिले हैं इनको? पैसा ही पैसा हो गया। और ये एकदम ट्रेडिशनल इस साल में हमारी शादी हो रही है। ये है दूल्हे राजा जी, ये हमारे सामने का अरेंजमेंट है।안녕하세요.
오늘 새해 집례를 맡게 된 저는 대전대학교 경영학부대학 교수가 있는 배영준입니다. 인사드리겠습니다. 오, 사마, 사마리, 몰라나 사이브, 야페르 판데지, 운코 조비 캘리지, 아프네. 여러분께 우리 전통 훈련은 신부 집에서 훈련을 치는 것이 우리의 전통. 이게 아마리 미트레, 샤나마 살람. 장가 돌아간다라는 말 있죠. 예, और भी लोग हैं बोले राजा को यहाँ पे उठाया जा रहा है ये जो उठा रहे हैं वो भी हमारे दोस्त ही हैं लेकिन और ये डांसर्स सब जो यूनिक सा हैट पहने हुए हैं इसको कोरियन में कहते हैं सांगमो उसको नॉर्मली पहना जाता है मोरीचुम यानी कि हेड डांस के दौरान और ये डांस कोरिया का ट्रेडिशनल डांस है जिसको कोरियन में कहते हैं ये लोग फुंगमुल फुंगमुल नोरी से ही निकल कर आता है सामुल नोरी और वो भी कोरियन ट्रेडिशनल वेडिंग में परफॉर्म करते हैं सामुल नोरी एक्चुअली तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर बनता है सा इसका मतलब होता है साइनो कोरियन या फिर चाइनीज कोरियन लैंग्वेज में फोर मुल का एक्चुअली कोरियन लैंग्वेज में मतलब होता है पानी लेकिन जो कोरियन लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज से ड्राइव्ड है उसमें इसका मतलब होता है आइटम सामान या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट तो सामुल हो गया फोर इंस्ट्रूमेंट जैसा कि आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं नोरी का एक्चुअली मतलब होता है प्ले लेकिन सुन के अच्छा लगा बारात का अब इस ट्रेडिशनल हाउस से अंदर एंटर करने का टाइम आ गया है नॉर्मली जो बारात जाती है वो हमारे इंडिया की तरह लड़कियों के घर जाती है लेकिन चूंकि अभी ज़माना बदल गया है तो अब ये जो ट्रेडिशनल हाउस में कर रहे हैं इसमें बारात एंटर करेगी नॉर्मली एक शख्स होता है जो इस बारात को लीड करता है जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं सामने बंदा खड़ा हुआ है और उस बंदे को कोरियन बोलते हैं खीरू काबी और इसको आप इंग्लिश में ऐसा समझ सकते हैं जैसे इंग्लिश में या फिर और वेस्टर्न वर्ल्ड में बेस्ट मैन होता है वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं और इन बेस्ट मैन के हाथ में जैसा कि आप देख सकते हैं एक चीज़ है जिसे कोरियन बोलते हैं की रोगी यानी वाइल्ड गूस उसको मैंडरिन डक या फिर जंगली बतख बोलते हैं बेस्ट मैन ये वाइल्ड गूस या फिर जंगली बतख देगा दूल्हे के हाथ में और फिर दूल्हा ले जाकर आगे टेबल पर रख देगा और फिर अपनी सासू माँ के सामने दो बार बो करेगा कोरियन ट्रेडिशनल कल्चर में वाइल्ड गूस हस्बैंड और वाइफ के प्यार को दर्शाता है साथ ही साथ उनकी सासू माँ के साथ उनकी बेटी के लिए कमिटमेंट को भी सिंबलाइज करता है पाटू दूल्हे को वहाँ पे उतार दिया गया है अभी दूल्हे से हमारी भाषा में कलमा पढ़ाया जा रहा है और इधर दुल्हन का स्टेज सजाया जा रहा है अभी लाया जाएगा यहाँ पर दुल्हन को बैठी हुई है हमारी पूनम अंदर और उधर है प्रेम प्रेम अंदर चले गए ये है नीरज आमिर भैया श्याम भैया और ये सामने कारी साहब हैं और वो सामने मेन पंडित जी बैठे हैं शटर बंद कर दिया गया है अब दुल्हन की डोली उठाई जा रही है और इनको लेके जाया जाएगा यहाँ सामने और उनके प्रेम वेट कर रहे हैं उनका गुड जॉब नीरज बहुत अच्छा कर रहे हैं आप
पिछली बार आ गया था। डोली चली गई है, अब सामने बस बचे हैं दुल्हन और दूल्हा, और सामने ये लोग कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा शादी का प्रोग्राम शुरू होगा। अभी दुल्हन उनको प्रणाम करेगी या फिर उनको सलाम करेगी। ये सामने कारी साहब हैं, कारी साहब पढ़ रहे हैं दूल्हा दुल्हन की। ये जो यूनिक सी ड्रेस आप देख रहे हैं, ये जो दोनों पहने हुए हैं, ये कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस है। इसको कोरियन में बोलते हैं हनबोक। ये दूल्हे के पिताजी हैं और वो दुल्हन की दूल्हे की वाइफ मॉम हैं। दूल्हे की माँ अभी कैंडल जलाएगी, और यूजुअली दूल्हा ईस्ट साइड खड़ा होता है और दुल्हन वेस्ट साइड। दुल्हन दूल्हे को दो बार ग्रीट करेगी या सलाम करेगी, और दूल्हा दुल्हन को एक बार ग्रीट करेगा। दोनों की फैमिली सबको ग्रीट करेंगी। ग्रीट आप अगर मुस्लिम हैं तो आप ऐसा समझ सकते हैं सलाम, अगर आप हिंदू हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह का प्रणाम है। लेफ्ट साइड पर ये इनका एक ट्रेडिशनल रीति रिवाज है जिसको ये लोग अभी कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। साइड में ये जो ब्लू कलर में दो औरतें हैं, ये एक तरह की हेल्पर हैं या फिर मेड हैं। ये दूल्हा दुल्हन को हाथ धुलाएंगी, और इस कस्टम को बोलते हैं कौन से रे। ये एक तरह का प्यूरिफिकेशन है माइंड और बॉडी का, यू नो, एक तरह कस्टम है, फिर रीति रिवाज मान सकते हैं आप इसको। ये ग्रीट करते हुए दुल्हन अपने पैरों को क्रॉस करती है, और क्रॉस करके जो ग्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनके पीछे दो एक हिसाब से जो हेल्पर हैं या फिर मेड हैं उनके साथ में खड़ी हुई हैं। इसके बाद हेल्पर्स एक ड्रिंक प्रिपेयर करेंगे जो कि यूजली राइस वाइन होता है। इस कस्टम को बोलते हैं हाफ कनरे। पहला कप दोनों लोग ऊपर की तरफ उठाएंगे आसमान की तरफ, इन ए सेंस कि भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने या फिर साथ देने का वचन देते हैं, और दोनों लोग फिर कॉपर के कप में इसको पियेंगे। प्रभु भगवान सो पेउ
वो सामने मौलाना साहब बैठे हुए, कारी साहब पंडित जी, और ये दूसरे मौलाना बैठे हुए उधर। ये दूल्हा दुल्हन सामने सलाम कर रहा है दुल्हन के डैडी को और दुल्हन की मम्मी को। ये जो बंदी बोल रही है ये दुल्हन की कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड है, और उसका यहाँ पर काम ये है कि इनके सिस्टम में ये बंदी आएगी और यहाँ पर और वही वो यहाँ पर कर रही है।여러분은 다경이가 얼마나 용기가 있는 사람인지 알고 계시나요? 저는 아직도 और अब फाइनल स्टेप आएगा। ये कपल दोनों लोग जो अटेंडिंग्स हैं या फिर जिन लोगों ने शादी अटेंड किया है, जो भी गेस्ट वगैरह हैं, सबको एक बो करेंगे, ग्रीट करेंगे, और उसके बाद ये शादी खत्म हो जाएगी, शादी का समापन हो जाएगा, यानी शादी कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा दाल और चावल, और इसको हमको उछालना है दूल्हा दुल्हन के ऊपर। गोपाल भैया जिंदाबाद। शर्माना नहीं है। गोपाल भैया
ये शादी लगभग अब खत्म हो गया है और अब हम यहाँ पे सब लोग खाना खाएंगे और मामला खत्म। इस स्टेप के बाद आप ये समझ सकते हैं कि शादी कंप्लीट हो गई है, अब लोग जाएंगे खाना खाने के लिए और मैं भी जाऊंगा खाना खाने के लिए। शादी खत्म हो गई है हमारी और अब अभी खाना शुरू होगा हमारा वलीमा। हाँ। यहाँ पर ये इस तरफ हमारा शादी हो रहा है और इस तरफ जो है खाने का सारा इंतजाम है। बिल्कुल शुरुआत में मुझे जो कूपन मिला हुआ था वो कूपन मुझे इनको देना है और इनको कूपन देने के बाद मेरी एंट्री होगी उस एरिया में जहां हम लोग सब लोग खाना खाएंगे। ये हमारी शादी का मेन खाना ये है और ये मेरा थाली है, ये मेरी थाली है, ये है मेरा खाना और खाना खाने के बाद हम लोग फाइनली जाएंगे एक फोटो सेशन के लिए और उसके बाद ये शादी खत्म। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।